हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय चैनल। गर्मी आ गई है दोस्तों, खाना खाने के बाद कुछ दिल तो करता ही है कि कुछ ठंडा सा कुछ मीठा सा हो जाए। और आजकल तो लॉकडाउन भी लगा है दोस्तों, और बाजार में कुछ मिल भी नहीं रहा है, तो आज हम बनाते हैं आइसक्रीम। तो दोस्तों हमने लिया है आइसक्रीम बनाने के लिए फुल क्रीम दूध। दूध गाढ़ा होना चाहिए तभी हमारी आइसक्रीम बहुत अच्छी बनेगी। गैस हमने ऑन कर दिया है, दूध को हम उबाली देंगे। उसके बाद हम 3-4 मिनट तक इसको पकाना है स्लो आग पे। थोड़ी देर बाद हिलाते रहेंगे। 2 चम्मच मैंने आटे का लिया है दोस्तों, गेहूं का आटा। उसमें हमने गुनगुना सा दूध डालना है, ना तो ज़्यादा गर्म हो और ना ही फ्रिज का ठंडा हो, गुनगुना, ताकि इसमें थोड़े से लंग्स ना पड़े। इसका हमने घोल बनाना है। तो दोस्तों गेहूं के आटे से ही हम ये आइसक्रीम बनाएंगे, और आपको लगेगा कि इन्हें क्या डाल दिया, गेहूं का आटा, इससे तो आइसक्रीम में आटे जैसा स्वाद आएगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों, आपको बिल्कुल भी पता ही नहीं चलेगा कि इसमें आटा भी हमने मिक्स किया है। और इससे आइसक्रीम हमारी बहुत ही स्वादिष्ट बनेगी और गाढ़ी गाढ़ी सी हो जाएगी। हमने आधी सी कटोरी इसका घोल बनाकर तैयार कर लिया है। अब हम इसे हमारे दूध में उबाली आ चुकी है, और 2-3 मिनट हो चुके हैं हम इसे पकाते हुए। अब हम इसे इस घोल को उबलते हुए दूध में डाल देंगे। दोस्तों हमें 3-4 मिनट तक इसको ऐसे ही पका लेना है, ताकि हमारा आटा जो है अच्छी तरह से पक जाए और गाढ़ा हो जाए। दोस्तों हमें 1 कटोरी चीनी की डालनी है। चीनी आप अपने स्वाद के अनुसार ले लेना, जितना आपको मीठा पसंद है। अब हमें इसको मेल्ट होने तक हिलाना है। इस तरह से हम इसको हिलाते रहेंगे। तो हमारा दूध भी गाढ़ा होने लग गया है, गाढ़ापन आ चुका है। ये वनीला एसेंस मैंने लिया है दोस्तों, हमें 2 चम्मच वनीला एसेंस के डालने हैं। आप यहाँ पे चाहे तो स्ट्रॉबेरी एसेंस भी डाल सकते हैं, या जो भी आपको आइसक्रीम बनानी है आप उसका एसेंस भी इसमें डाल सकते हैं। इस तरह से मैंने 2 चम्मच वनीला एसेंस का लिया है। अब हमें 3-4 मिनट तक इसको ऐसे ही हिलाना है, बस फिर हमारी आइसक्रीम जो है बनकर तैयार हो जाएगी। 3-4 मिनट हो चुके हैं दोस्तों, अब हम गैस का फ्लेम जो है ऑफ़ कर देंगे। अब हमारी आइसक्रीम बनकर तैयार हो गई, हम कंटेनर में इसको डाल देंगे। इस तरह से आपके पास कोई एयर कंटेनर है तो आप उसमें डाल दीजिए, अगर आपके पास एल्यूमिनियम का है तो वो बहुत ही अच्छा है, उसमें आइसक्रीम जो है बहुत अच्छे से सेट हो जाती है और जल्दी से जम जाती है। अब मैं एक फॉल पेपर से इसको पूरा कवर कर दूँगी। ये देखिए मैंने कवर कर दिया अच्छे से। अब हम इसका ढक्कन लगा देंगे, और इसको फ्रिज में हमने 6-7 घंटे के लिए इसी तरह से रख देना है। फिर हम दूसरा काम हम बाद में करेंगे, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। दोस्तों अब 6 घंटे हो चुके हैं, अब मैंने अपना वॉल पेपर हटाएंगे हम। ये देखिए हमारी आइसक्रीम जो है जम गई है। अब हम ग्राइंडर जार लेंगे, उसमें हम इसे सारी आइसक्रीम को इसमें डाल देंगे। अब हम इसे 3-4 मिनट तक अच्छे से फेंटना है। 4 मिनट हो चुके हैं दोस्तों, अब ये देखिए हमारी आइसक्रीम जो है हमने इसको अच्छे से फेंट लिया है, इस तरह की हो जाएगी ये। अब हमें क्या करना है, हमें 1 कटोरी भरकर अच्छे से मलाई की डालनी है। जितनी आपके पास मलाई हो उतनी ही अच्छा है, उतनी ही हमारी आइसक्रीम बहुत अच्छी क्रीमी सी बनकर तैयार होती है। अब हमें इसे 1 मिनट तक और फेंटना है दोस्तों, 1 मिनट तक ही फेंटिएगा, नहीं तो इसमें से मक्खन निकलने लगेगा। ये देखिए कितनी क्रीमी सी बन गई। अब हम इसे सेम कंटेनर में डाल देंगे। इस तरह से हमने सारी आइसक्रीम इसमें डाल दी है। अब मैं इसे ड्राई फ्रूट से सजा दूंगी। आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट्स आप डालना चाहें वो आप इसमें डाल सकते हैं। हम इसे ओवरनाइट के लिए सेम उसी प्रोसीजर से करेंगे, वॉल पेपर लगा के और इसका ढक्कन बंद करके। एयर टाइट होना चाहिए ढक्कन, उसे हमने बंद कर दिया अच्छे से, और ओवरनाइट के लिए हम छोड़ देंगे। 7-8 घंटे हो चुके हैं दोस्तों, ये देखिए हमारी आइसक्रीम बनकर बिल्कुल रेडी हो चुकी है। देखने में जितनी अच्छी लग रही है, खाने में उतनी स्वादिष्ट होगी, और आपको लगेगा ही नहीं कि ये हमने गेहूं के आटे से बनाई है। दोस्तों आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।